नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। एक दिन में बने 1 लाख ई पास। झारखंड में एक दिन में 1 लाख ई पास बन गए हैं। बता दें, झारखंड में लॉकडाउन की सख्ती आज 16 मई से शुरू हो रही है, इस लिहाजा से धड़ाधड़ ई पास बनाए जा रहे हैं। इस बार ई पास बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बेहद आसान और सरल रखी गई है। बता दें, आसानी से बन रहे ई पास का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पोर्टल शुरू होने के पहले ही दिन ई पास 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया। बता दें, सरकार ने इस बार ऑनलाइन आवेदन से लेकर ई पास निर्गत करने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल बनाया है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के मौसम में 17 मई से फिर बदलाव होगा। इस बार मौसम में बदलाव साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर टर्फ की वजह से नहीं, बल्कि अरब सागर में आने वाले चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से होगा। इसका असर 18 मई तक रहेगा। बता दें, चक्रवाती तूफान के प्रभाव से झारखंड में आसमान में घने बादल छा सकते हैं और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तूफान का नाम म्यांमार की ओर से जंगली छिपकली के नाम पर दिया गया है। झारखंड में हो रहे मरीजों के ब्लैक फंगस के लक्षण। कोरोना मरीजों में होने वाली दूसरी खतरनाक बीमारी म्यूकर माइकोसिस ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बता दें, अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। बता दें, ब्लैक फंगस के लक्षण में नाक जाम होना, नाक से काला या लाल स्राव होना, गाल की हड्डी में दर्द होना, चेहरे पर एक तरफ दर्द होना या सूजन होना, दांत या जबड़े में दर्द या दांत टूटना, धुंधला या दोहरा दिखाई देना, सीने में दर्द और सांस में परेशानी। झारखंड में आज से सब कुछ बंद, ई पास के बिना घर से निकलने पर जुर्माना। रविवार से राज्य सरकार पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों को और सख्त करने जा रही है। मकसद है कि लोगों को घर से अकारण निकलने पर अंकुश लगाया जा सके, इसलिए बाइक से लेकर कार तक के लिए पास लेकर चलना अनिवार्य कर दिया गया है। जिनके पास पास नहीं होगा उनसे पुलिस सख्ती से निपटेगी। बता दें, तमाम आवश्यक सामग्रियों की दुकानें, निर्माण उद्योग से संबंधित उपक्रम चालू रह सकेंगे और इनमें जुड़े कर्मियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इन्हें भी ऑनलाइन पास बनवाना होगा, जिसकी प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ई पास के बिना पकड़े गए तो FIR, पुलिस से उलझे तो जेल। अगर आपके पास ई पास नहीं है और आप वाहन लेकर घर से निकले हैं तो बच के पकड़े जाने पर पुलिस आपदा प्रबंधन कानून व धारा 188 के तहत आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करेगी। इसके अलावा अगर आपने मास्क या फेस कवर नहीं पहना है तो ₹500 का जुर्माना अलग से देना पड़ेगा। पकड़े जाने पर पुलिस से उलझे तो सरकारी कार्य में बाधा से संबंधित धारा अलग से लगाई जाएगी। नियम कानून की अनदेखी करने वाले जेल भी जाएंगे। रांची प्राइवेट अस्पताल की मनमानी के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए तय मानक से ज़्यादा वसूली किए जाने की शिकायत को रांची जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। बता दें, रांची के उपायुक्त छवि रंजन द्वारा इस संबंध में आयुष्मान नर्सिंग होम और संडे कांके को शोक का जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने अपने पक्ष में मरीज के परिजन से प्रशासित पत्र भी लिखवा लिया था कि मरीज की समुचित देखभाल की गई। ई पास के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका। राज्य में लॉकडाउन के दौरान रविवार से बढ़ाई गई पाबंदियों के तहत शहर के अंदर भी वाहनों के परिचालन पर ई पास को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। बता दें, अदालत से इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया है। प्रार्थी राजन कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के जरिए उक्त याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 16 से 27 मई तक शहर के अंदर भी वाहनों के परिचालन के लिए ई पास को अनिवार्य किया है। सरकार ने इस पास बनाने के लिए लोगों से वजह पूछा है, मतलब लोगों को अपनी हर गतिविधि की जानकारी देनी होगी। मुंबई जाने वाले यात्री ध्यान दें, 1 जून तक के लिए नई व्यवस्था लागू। मुंबई जाने वाले यात्री ध्यान दें, अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र के किसी भी शहर में जा रहे हैं तो आपके साथ RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी रख लें। इस रिपोर्ट के बगैर महाराष्ट्र के किसी भी शहर में आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जून तक के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। गढ़वा में 7 दुकानें सील। गढ़वा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार पांडे ने शुक्रवार को बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान नियम के विरुद्ध कुछ दुकानें खुली मिली। इस दौरान कुल 7 दुकानों को सील किया गया। बता दें, 1 दुकान को गाइडलाइन का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया गया।
सील होने वाले दुकानों में 4 कपड़ा व जूते की दुकानें हैं। झारखंड में 3157 नए केस मिले हैं। झारखंड में 65 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कुल मौत की संख्या 4431 है, वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 41386 है। भारत में 3,10,580 नए केस मिले हैं। भारत में 2,70,319 मरीज की मौत हुई है। भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 36,13,515 है। भारत में 3,62,367 मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं झारखंड में भी 6,762 मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में 3157 नए केस मिले हैं, जो बोकारो से 146, चतरा 106, देवघर 108, धनबाद 128, दुमका 22, पूर्वी सिंहभूम 297, गढ़वा 68, गिरिडीह 107, गोड्डा 41, गुमला 197, हजारीबाग 200, जामताड़ा 63, खूंटी 73, कोडरमा 129, लातेहार 76, लोहरदगा 94, पाकुड़ 1, पलामू 230, रामगढ़ 202, रांची 465, साहिबगंज 19, सरायकेला 47, सिमडेगा 103, पश्चिमी सिंहभूम से 235 मरीज मिले हैं। झारखंड में 6,662 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जो बोकारो से 417, चतरा 65, देवघर 261, धनबाद 143, दुमका 30, पूर्वी सिंहभूम 743, गढ़वा 43, गिरिडीह 247, गोड्डा 41, गुमला 176, हजारीबाग 611, जामताड़ा 156, खूंटी 169, कोडरमा 152, लातेहार 47, लोहरदगा 166, पाकुड़ 191, पलामू 239, रामगढ़ 179, रांची 2206, साहेबगंज 57, सरायकेला 119, सिमडेगा 65, पश्चिमी सिंहभूम से 239 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रूपा तिर्की मामला में सीबीआई जांच के लिए बनाई मानव श्रृंखला। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा रूपा तिर्की हत्याकांड को लेकर एक दिवसीय धरना एवं मानव श्रृंखला बनाकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। प्रदर्शन का नेतृत्व केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की ने किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आदिवासी बहुल राज्य में ही हमारी माँ बहन असुरक्षित है, फिर अन्य राज्य में क्या दुर्गति होगी। 12वीं की परीक्षा को लेकर असमंजस में छात्र। कोरोना संक्रमण के कारण 10वीं बोर्ड की परीक्षा सभी बोर्ड ने रद्द कर दी है, लेकिन 12वीं को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं आया है। संभवतः जून के पहले सप्ताह में इस पर बोर्ड फैसला ले। परीक्षा को लेकर 12वीं के विद्यार्थी उहापोह की स्थिति में है। उन्हें अब करियर की चिंता सताने लगी है। बता दें, परीक्षा को लेकर तनाव बढ़ने लगा है। अभिभावकों की भी परेशानी कम नहीं है। उपायुक्त और नगर आयुक्त को पत्र लिखकर अपर मुख्य सचिव ने दिया निर्देश। राज्य के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने शनिवार को राज्य के सभी उपायुक्त नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने कोविड-19 जांच के लिए रैपिड एंटीजन जांच बूथ की स्थापना करने के संबंध में यह पत्र लिखा है। बता दें, पत्र में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार के मद्देनजर जाँच का दायरा बढ़ाने तथा मांग एवं आवश्यकता अनुसार आधारित सहज सुलभ कोविड-19 जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। रांची सदर अस्पताल में अब मिलेगी प्लाज्मा और ब्लड कंपोनेंट की सुविधा। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में अब प्लाज्मा और ब्लड कंपोनेंट की सुविधा मिलेगी। बता दें, अस्पताल में ब्लड प्रोसेसिंग के लिए ब्लड बैंक में सेपरेटर मशीन लगाने की तैयारी है। बताया गया है कि 70 लाख की ब्लड सेपरेटिंग मशीन पहुँचने के बाद ब्लड बैंक में सिविल वर्क का काम तेज कर दिया गया है। अगले महीने से यहां ब्लड प्रोसेसिंग की सुविधा मिलने लगेगी। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का कड़ाई से पालन कराए एसपी डीजीपी। डीजीपी नीरज सिन्हा ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी के साथ बैठक की। डीजीपी ने 16 मई से लागू होने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही डीजीपी ने राज्य में विधि व्यवस्था सहित अन्य मामलों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सभी एसएसपी और एसपी ने डीजीपी को अपनी अपनी तैयारियों से अवगत कराया। तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर शनिवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के आईएएस अधिकारियों के साथ नामकुम स्थित आईपीएच कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक किया। बैठक में कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर पर चर्चा हुई। इस दौरान तीसरी लहर को लेकर तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों को तीसरी लहर को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
रांची एसएसपी, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 27 मई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। बता दें इस बार सख्ती भी बढ़ा दी गई है, यह सख्ती 16 मई से लागू होगी। राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की पाबंदियों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने शनिवार की शाम पुलिस लाइन में जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी, ट्रैफिक थाना प्रभारी को ब्रीफिंग की और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिए। धान क्रय का भुगतान अविलंब करे सरकार। भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने शनिवार को राज्य सरकार से मांग की है कि जो धान की खरीद सरकार द्वारा की गई है उसकी पहली किस्त के भुगतान में भारी अनियमितता बरती है उसकी जांच कराई जाए और दूसरी किस्त का भुगतान अविलंब कराया जाए। अभी तक दूसरी किस्त का भुगतान किसी किसान को भी नहीं किया गया। हाई कोर्ट के वकील अदालती कार्य में शामिल होंगे। झारखंड हाई कोर्ट के वकील अब अदालती कार्य में शामिल होंगे। बता दें हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने अपने सदस्यों से राय शुमारी करने के बाद यह निर्णय लिया है। एसोसिएशन के महासचिव नवीन कुमार ने कहा कि इस मामले पर सभी सदस्यों से राय मांगी गई थी। अधिकांश सदस्य पूर्व की व्यवस्था के तहत अदालत की कार्यवाही में शामिल होने की राय दी है, इसके आलोक में यह निर्णय लिया गया है। हाई कोर्ट में फिलहाल वर्चुअल सुनवाई ही हो रही है। धन्यवाद।